संचारी रोग नियंत्रण अभियान की 100% सफलता ही तो जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान 1 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। दस्तक अभियान 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर चला है तथा संचारी रोग नियंत्रण अभियान जारी रहेगा। CDO ने कहा कि संचारी रोग तथा दिमागी बुखार पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाने के लिए संबंधित विभागों के मध्य उचित समन्वय का होना आवश्यक है। सभी संबंधित विभाग कार्यक्रम की 100% सफलता हेतु आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें। CDO ने बताया कि इंसेफ्लाइटिस प्रभावित समस्त गाँवों को JE से बचाव संबंधी संपूर्ण व्यवस्थाओं से आच्छादित किया जाए। उन्होंने नगर निगम एवं DPRO को निर्देश दिए कि रोस्टर के अनुसार फॉगिंग कार्यों में तेजी से कराए ताकि मच्छरों पर नियंत्रण पाया जा सके। इसके साथ ही रोस्टर का प्रचार प्रसार भी किया जाए ताकि स्थानीय जन को उसकी जानकारी हो सके। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही COVID-19 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग मास्क के प्रयोग का ध्यान रखा जाए। उन्होंने बताया कि जो भी कार्यक्रम संचालित किया जाए उसमें COVID-19 के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK तिवारी सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी तथा CSC व PSC के प्रभारी मौजूद रहे। ये मत सोचिए कि 10 तक खत्म हो गया, जो उसमें हमारी कमियां आई उसको ठीक भी करना है। आशाज विजिट को आपने मैक्सिमम दिखाया है वो स्टेट एवरेज से ज़्यादा है, तो ये तो अच्छी बात हुई ना। कम बीमारी है, हेल्दी है, तो इसको आपने रेड में कैसे कर दिया? पेशेंट कम मिलने ऐसा नहीं देखिए सर, इसमें एक चीज़ और होता है, जैसे कि हम लोग जब मॉनिटरिंग करते हैं तो अक्सर लोग छुपाते हैं, ये मतलब हम ये आता कि कभी नहीं दिखा रहे। इसमें ये चीज़ है कि सर अक्सर लोग जैसे कि भाई किसी को खांसी तो नहीं पता है, नहीं पता सारे की केस है, कोई 70 साल बाद में दिक्कत है उसको नहीं पता, छुपाते ही। तो इसमें सर हमारा जो सजेशन ये था कि थोड़ा सा मतलब और ढंग से बात की जाए। तो सजेस्टिव मेजर के रूप में थे, बट इसको सीजन चल रहा है तो फीवर के पेशेंट मार्क ऐसा नहीं कम हो जाते सारे। ठीक,